हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं सिनोप्सिस कैसे बनाते हैं, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है आपकी, ठीक है, उसको कैसे बनाते हैं। तो वीडियो प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। एक एक स्टेप बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले बता दूँ आपको, मैं अपनी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, मैं अपने कौन से प्रोजेक्ट पर बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट जमा किया था, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये मेरा प्रोजेक्ट था। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में मैंने ऐड की थी 4-5 चीज़ें। गाइस, अगर आपका मेजर प्रोजेक्ट है या माइनर प्रोजेक्ट है, आप इस रिपोर्ट को दोनों में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना होता है ए मिनी प्रोजेक्ट। अगर आपका मेजर प्रोजेक्ट है तो मेजर लिखिए, अगर मिनी है तो मिनी प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे कोड लिखना है, अगर आपके सिलेबस का, मतलब जो भी सिलेबस है आपको प्रोजेक्ट बनाने का, अगर उसका कोई कोड है आपके कॉलेज में तो वो कोड डालिए यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद लिखा ए मिनी प्रोजेक्ट, आपका अपना कोड आ जाएगा यहाँ पे, ऑन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट या फिर जो भी आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद लिखना सबमिटेड बाई, कौन सबमिटेड कर रहा है, आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे। मैंने लिखा था अंकित कुमार, ठीक है। और गाइस, फिर उसके बाद आपको अपना कोर्स लिखना है, जो भी कोर्स था, आप MCA कर रहे हो या फिर अगर आप BTech कर रहे हो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA सेकेंड सेम, अंडर द गाइडेंस ऑफ, किसकी गाइडेंस में आप ये सबमिट कर रहे हो, डॉक्टर करमजीत भाटिया, आपने प्रोफेसर का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, किस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, उनका नाम यहाँ पे लिखना है। आपको अपने कॉलेज का यहाँ पे लोगो लिखना है, ठीक है। और उसके नीचे लिखना है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी GKV हरिद्वार, और कब आपको सबमिट कर रहे हो, मई में आपने सबमिट किया तो यहाँ पे आपको मई लिखना होगा, ठीक है। ये आना आपका फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज जो होना है आपका। और उसके बाद आपका सेकेंड पेज आता है। सेकेंड पेज में आपको कैंडिडेट की डिक्लेरेशन लिखनी होती है, किसके अंडर में आप सबमिट कर रहे हो, मतलब एक टाइटल के रूप में लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कैंडिडेट की डिक्लेरेशन देनी है, सिंपल आपको आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, कौन से डिपार्टमेंट है और कौन प्रोफेसर है और कौन से डिपार्टमेंट के हैं वो, ठीक है। और उसके नीचे आपको यहाँ पे डेट और आपका नाम और आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे लिखनी। तो गाइस, आपका अगले पेज का टाइटल होना चाहिए सर्टिफिकेट। तो गाइस, यहाँ पे सिंपल लिखना है कि आपने जो वर्क किया वो ओरिजिनल वर्क किया इस वाले प्रोजेक्ट पर, और जो भी रिक्वायरमेंट थी, जो भी रिक्वायरमेंट टीचर ने दी थी, उसको सभी को फुलफिलमेंट करते हुए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया और ये सिस्टम डिजाइन प्रोजेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से आपको अपनी डिटेल लिखनी है। और अब हमारा तीसरा पेज यहाँ पे आता है एक्नॉलेजमेंट। और गाइस, यहाँ पे आपको सिंपल वो डिटेल लिखनी होती है, अगर आपका प्रोजेक्ट दो लोगों ने बनाया है मिलकर, और यहाँ पे लिखना है आपको अगर किसी भी फ्रेंड ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्पफुल की है, इसमें हेल्प की है इस वाले प्रोजेक्ट को बनाने में, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। आपको अपनी डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आती है जो मेन चीज़ होती है आपकी सिनोप्सिस। और गाइस, एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपका प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा है या फिर आपने कोई अलग अलग टॉपिक बनाए हैं प्रोजेक्ट में, आप यहाँ पे एक इंडेक्स का पेज बना सकते हो। मैंने इंडेक्स पेज की जगह अपनी सिनोप्सिस में ही टॉपिक्स बना दिए हैं, ठीक है। सिनोप्सिस में आपको लिखना है टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, सबसे पहली चीज़ तो आप आ जाएगी आपकी टाइटल क्या है आपका प्रोजेक्ट का, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है। और सेकंड आपको पॉइंट लिखना है ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, इस प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है। पेशेंट की डिटेल ऐड करना, डिलीट करना और लेबोरेटरी चेकअप वगैरह लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। प्रोजेक्ट की कैटेगरी क्या है आपकी, RDBMS टाइप प्रोजेक्ट, मतलब रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और फिर फोर्थ है लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर टूल कौन कौन सी यहाँ पे मैंने यूज़ किया, फ्रंट एंड में मैंने C यूज़ की है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने विंडो 10 यूज़ किया, ठीक है। और फिर पांचवा पॉइंट है मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट की, क्या स्ट्रक्चर है आपकी, प्रोजेक्ट वर्क कैसे कर रहा है वो भी लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। उसमें लिखना आपको पर्पज सिस्टम, सिस्टम का पर्पज क्या है, मतलब गाइस यहाँ पे आपको लिखना है जो आपकी डिटेल है वो आप इंसर्ट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो और मॉडिफाई कर रहे हो, आपकी लेबोरेटरी रिपोर्ट जो है वो उसको बिलिंग सिस्टम को आप यहाँ पे शो करा रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। फाइव का ही दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखना मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन, और मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 3-4 पॉइंट लिखे हैं। तो फाइव के टू का पहला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटर का मॉड्यूल क्या होना चाहिए, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर वो क्या करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है। और वो क्रिएट और अपडेट डिलीट भी कर सकता है, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एडमिन होगा, वो वहाँ पे सभी की डिटेल, जो भी पेशेंट है, डॉक्टर, स्टाफ है, हॉस्पिटल का जो भी कुछ है, वो डिलीट, अपडेट, क्रिएट सब कुछ कर सकता है, ठीक है। पांचवे के दूसरे पॉइंट का दूसरा है आपका पेशेंट का मॉड्यूल, मतलब पेशेंट क्या कर सकता है यहाँ पे, मतलब कि जो पेशेंट है वो आपका यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं कर सकता, आपका कंटेन करेगा अपने रिकॉर्ड को। और जो सब मॉड्यूल्स हैं इन पेशेंट और आउट पेशेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इन पेशेंट इन कंटेंट डिटेल ऑफ पेशेंट हु आर एडमिटेड, मतलब जो एडमिटेड है, और आउट पेशेंट मतलब कि जो वहाँ से जाने वाला है चेकअप वकअप करवा के, वो डिटेल यहाँ पे लिख देने। ये तो मेरे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। अगर आपका स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है तो वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, आपका स्टूडेंट मॉड्यूल क्या कर सकता है, स्टूडेंट मॉड्यूल इन स्टूडेंट और आउट स्टूडेंट कर दो यहाँ पे, मतलब कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं, मतलब जिनका एडमिशन होने वाला है, आउट स्टूडेंट मतलब जिनका एडमिशन हो चुका है या फिर जो जाने वाले हैं। यहाँ पर एक और कर सकते हो, मतलब सो स्टूडेंट, मतलब कि जो वहाँ पे सिंपल देखने आ रहे हैं कॉलेज को, इस तरीके से ऐड कर सकते हो अपने तरीके से। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है तो यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल तो सेम ही रहेगा,
तो स्टूडेंट का एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, स्टूडेंट की डिटेल को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, जो भी आपके कॉलेज के स्टाफ है, टीचर्स हैं और प्योन्स हैं उनकी डिटेल को ऐड डिलीट कर सकता है। सिंपल यही चीज़ है, आपको चेंज करनी है बस। और फिर पांचवी के दूसरे का तीसरा पॉइंट है लैब मॉड्यूल, जो आपकी लैब है उसका क्या मॉड्यूल है, मतलब कि लैब मॉड्यूल इज़ यूज टू जनरेट लेबोरेटरी रिपोर्ट, सिंपल इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं वाला ऑप्शन जो है। और बिलिंग मॉड्यूल्स में हम क्या लिखेंगे, द बिल पेमेंट रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट, मतलब कि जो बिलिंग मॉड्यूल है आपका बिल पेमेंट, वो बिल की रिपोर्ट तैयार कर रहा है मतलब आपके पेशेंट की, ठीक है। और आपका लास्ट आता है फ्यूचर ऑफ द स्कोप प्रोजेक्ट, छठा पॉइंट आपका फ्यूचर में क्या स्कोप है इस प्रोजेक्ट का, ये आपको मेंशन करना होता है हर एक प्रोजेक्ट में, बहुत ज़रूरी है। और इसी फॉर्मेट में आप चेंजेस भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, अगर यही फॉर्मेट आप लिख लीजिएगा इसमें आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पे फिर आता है आपका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो होना चाहिए और हार्ड डिस्क होनी चाहिए मैक्सिमम 80 GB की, रैम होनी चाहिए 1 GB मिनिमम, ठीक है। और उसके बाद आती है आपकी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट, यहाँ पर रिक्वायरमेंट हम आपको अपना कोड ही फिल कर देना है, सी लैंग्वेज में मेरा कोड था, जो भी आपका कोड था वो यहाँ पे फिल कर देना। और एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो कमेंट्स लिखी हुई है मैंने, बट आपको जब भी रिपोर्ट बनानी है कमेंट्स जरूर यूज करनी है, क्योंकि जो भी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखेगा वो आपका कोड तो देखने का नहीं, वो यहीं से ही उस कोड को पढ़ना चाहेगा रिपोर्ट में से, तो वो इन्हीं चीज़ों को पढ़ के समझ सकता है, कमेंट को पढ़ के समझता है कि ये वाली लाइन किसके लिए हमने यूज़ किया, ठीक है। पूरा कोड कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में आपको यहाँ पे स्नैपशॉट ऐड कर देना है, जो भी आपका स्क्रीनशॉट लेके ऐड कर देना है इन सभी चीज़ों के, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ही ऐड कर रखा है, आपको सभी ऐड करने हैं जितने भी आपके डिटेल्स हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, ठीक है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आपको पहला पेज होना चाहिए आपका, आपका नाम वगैरह, आपके डिटेल्स क्या आपकी प्रोजेक्ट है, फिर आपको कैंडिडेट का डिक्लेरेशन देना है, फिर आपको सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट देना है आपको, और सिनोप्सिस में आपको ऐड करनी है अपने प्रोजेक्ट की सभी डिटेल्स। तो कैसे आज की वीडियो में सिंपल इतना ही था, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो ये वीडियो, थोड़ा सा भी समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना अगर हो सके तो अपने पूरे ग्रुप में। और कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में, ठीक है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए मैंने जावा C++, उनको भी डिटेल जरूर चेकआउट करना, नीचे लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।